Hey guys, मैं हूँ विशाल और The Spirits Club में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है रम। आज हम देखेंगे रम कैसे और किस चीज से बनती है। ये एक डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज है और ये चार मेजर प्रोसेस से बनती है, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, एजिंग और ब्लेंडिंग। इसे बनाने का बेसिक प्रिंसिपल काफी सिंपल है और ये तीन इंग्रेडिएंट से बनती है, वो है शुगर केन, यीस्ट और वाटर। ये ज्यादातर मोलासेस को डिस्टिल करके बनाई जाती है या फिर शुगर केन जूस को ही डिस्टिल किया जा सकता है। मोलासेस ये शुगर केन जूस का ही बाय प्रोडक्ट है, जिसे हम हिंदी में गुड़ कहते हैं। दोस्तों, रम कई कंट्री में बनाई जाती है, बट बारबाडोस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हिस्टोरिकली ये वेस्ट इंडीज में इन्वेंट हुई है। 15वीं शताब्दी में रम स्लेव ट्रेड में भारी रूप से शामिल थी, जहां गुलामों को मध्य अफ्रीका से पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था और मोलासेस के लिए वेस्ट इंडीज में इनका व्यापार किया जाता था। न्यू इंग्लैंड में मोलासेस से रम बनाई और फिर रम को अधिक गुलामों के लिए अफ्रीका में फिर से इसका व्यापार किया। ब्रिटिश नाविकों को 1974 तक रम का नियमित राशन प्राप्त होता था, जिसमें हर एक नाविक को लंच और डिनर के लिए एक निप रम मिलती थी, जो उनको सफर के दौरान खतरनाक बीमारी से बचने के लिए भी मदद करती थी। और इसी तरह से रम का हमेशा से समुद्र और विशेष रूप से ब्रिटिश नेवी के साथ लंबा संबंध रहा है। वैसे तो रम पूरी दुनिया भर में बनती है, पर हर कंट्री और रीजन में इसे बनाने का अपना तरीका और कानून है। ज्यादातर रम कैरिबियन और अमेरिका के नॉर्थ और साउथ पार्ट में बनाई जाती है। रम ये एक इंग्लिश वर्ड है और फ्रेंच में इसे रम कहते हैं और स्पेनिश में रॉन। इसे स्टेनलेस स्टील टैंक में या वुडन बैरल में एज किया जाता है और ज्यादातर इसे बर्बन विस्की के यूज्ड कास्क में, क्योंकि ये कास्क फिर से बर्बन विस्की प्रोडक्शन में यूज नहीं किए जाते और इसलिए कुछ रम में आपको हल्का सा ओक और विस्की का फ्लेवर मिलता है। रम का कलर बैरल में यूज किए गए वुड और एजिंग पीरियड पर निर्भर करता है। रम का फ्लेवर और कैरेक्टरिस्टिक फर्मेंटेशन में यूज होने वाले यीस्ट, डिस्टिलेशन मेथड, एजिंग और क्लाइमेट, इन चीजों से निर्धारित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रम एक चिपचिपे और मीठे पदार्थ से बनता है, यानी जब शुगर केन जूस को हीट करने के बाद एक गाढ़ा पदार्थ बनता है, जिसे मोलासेस कहा जाता है। उस मोलासेस को रिबॉइल करने के बाद उसका एक लो ग्रेड शुगर बनता है, जिसमें वाटर और ईस्ट ऐड करके उसे फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। फर्मेंटेशन का ड्यूरेशन रम के अलग अलग स्टाइल पर निर्भर है। जैसे कि डार्क रम के लिए लिक्विड को 3 वीक्स तक फर्मेंट किया जा सकता है। रम को 2 मेन टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, एक है इंडस्ट्रियल रम और दूसरा है एग्रीकोल रम। दोनों में मेन डिफरेंस उनके रॉ मटेरियल का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रम। इसे ट्रेडिशनल रम भी कहा जाता है। ये मोलासेस को फर्मेंट करके बनाई जाती है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस यूज की जाती है, ताकि मोलासेस का एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए। इसे कॉलम या पॉट स्टील, दोनों में से किसी भी टैंक में इसे डिस्टिल किया जा सकता है। कॉलम स्टील को कॉफी स्टील से भी संबोधित किया जाता है। ये 95% ABV तक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, जहां पॉट स्टील 85% करता है। और हवाना क्लब इंडस्ट्रियल रम का एक उत्तम उदाहरण है। सेकेंड है एग्रीकोल रम। ये फ्रेश शुगर केन जूस से बनाई जाती है, ज्यादातर फ्रेंच कैरिबियन। और रम को ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एच लगा होता है, वो एग्रीकोल रम होती है। एग्रीकोल रम दूसरे रम से अलग है। ये विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए उगाए गए गन्ने के फ्रेश जूस को फर्मेंट और डिस्टिल करके बनाई जाती है। इसका प्रोडक्शन साल में केवल गन्ने के सीजन में 2 से 3 महीने तक ही होता है। शुगर केन हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही उसका जूस निकाला जाता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से गन्ने के बाहरी आवरण पर मौजूद ऑर्गेनिक ईस्ट के साथ फर्मेंट होता है, जिसे यिन डेक केन कहा जाता है। ये रम लाइट बॉडी होती है और इसका कलर भी लाइट होता है। इसके अलावा इसमें एक विशिष्ट घास और हर्बल का फ्लेवर और अरोमा होता है और अक्सर इसे कॉलम स्टील में डिस्टिल किया जाता है। इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस लंबा और डिस्टिलेशन प्रोसेस कम होता है, इसलिए ये 75% ABV तक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ये काफी शार्प और मोलासेस से बनी रम के विपरीत है। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले है फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए शुगर का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि ऑलरेडी उसके रॉ मटेरियल में ही मौजूद है। उसके जूस में यीस्ट और पानी ऐड किया जाता है, ताकि यीस्ट
शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। फर्मेंटेशन का पीरियड 24 आवर्स से 3 वीक्स तक का होता है और ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की रम बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से उसमें यीस्ट और फर्मेंटिंग ड्यूरेशन चूज किया जाता है, क्योंकि ये उसके फ्लेवर को काफी प्रभावित करता है। ज्यादातर प्रोप्राइटरी कल्चर यीस्ट यूज किया जाता है, पर कुछ डिस्टिलर्स वाइल्ड यीस्ट यूज करते हैं ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो सके। लाइट बॉडीड लाइट फ्लेवर रम को एक दिन तक फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि बकाडी लाइट। कुछ फुल बॉडी और फुल फ्लेवर रम को 2 से 5 दिन तक, जैसे कि क्लेमेंट एग्रीकोल रम, और 15 से 21 दिन तक फर्मेंट की गई रम डार्क हेवी फुल बॉडीड और पुराने टाइप की होती है। ये काफी फ्रूटी और फंकी होती है, जिसे हाई स्ट्रेस रम कहा जाता है, जैसे कि जमैकन रम। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के बाद इसमें 10% से भी कम अल्कोहल होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस लिक्विड में मौजूद अल्कोहल को सेपरेट करता है, क्योंकि अल्कोहल पानी की तुलना में बहुत ही लाइट होता है। ये 75 डिग्री पर इवेपरेट होना स्टार्ट होता है, वही पानी 100 डिग्री पर इवेपरेट होता है। डिस्टिलेशन 2 टाइप में होता है, एक पॉट स्टिल और दूसरा है कॉलम स्टिल। पॉट स्टिल ये एक ओल्ड स्टाइल मेथड है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से इसे स्मॉल बैचेस में बनाया जाता है और ये फुल फ्लेवर और फुल बॉडी रम बनाती है। इसका यूज ज्यादातर इंग्लिश स्टाइल के रम में किया जाता है और इसमें इंप्यूरिटी ज्यादा होने की वजह से ये फुल फ्लेवर रम बनती है। दूसरा है कॉलम स्टिल, इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंटिन्यूस स्टिल, कॉफी स्टिल और पेटेंट स्टिल। ये टैंक स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। ज्यादातर रम कॉलम स्टील में बनाई जाती है। ये क्लीन और क्लियर अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ये फर्मेंटेड वॉश में से इंप्यूरिटीज कम करता है। दोस्तों, वॉश यानी फर्मेंटेड लिक्विड, इसमें 5 से 10% अल्कोहल होता है, इसीलिए आपको कॉलम स्टील में बनी रम लाइट बॉडीड और लाइट फ्लेवर मिलेगी। मॉडर्न कॉलम स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी हाई होती है और ये हाई प्रूफ स्पिरिट बनाती है और इसे ज्यादा एज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पॉट स्टील, ये टिपिकली कॉपर से बनती है। इसका शेप थोड़ा केटल जैसा दिखता है, इसलिए कुछ कंट्री में इसे केटल भी कहा जाता है। इसका यूज स्कॉटलैंड में स्कॉच और फ्रांस में कोनैक बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रोसेस है एजिंग। डिस्टिलेशन के बाद तुरंत इसे ओक बैरल में स्टोर किया जाता है या फिर स्टेनलेस स्टील टैंक में, पर ज्यादातर रम्स बर्बन विस्की के यूज्ड कास्क में स्टोर किए जाते हैं, जिस वजह से उसे एक पर्टिकुलर कलर, फ्लेवर और स्मूथ फिनिश मिलता है। स्टेनलेस स्टील टैंक कलरलेस और क्लियर रम बनाता है और ज्यादातर रम्स मिनिमम 1 साल तक एज की जाती है। ये स्कॉच और कोनाक के विपरीत ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जल्दी एज होती है। पुराने बैरल के चार को साफ करके उसे फिर से चार करते हैं, फिर उसमें रम को फिल किया जाता है। चार करना मतलब उसे अंदर के साइड से, यानी बैरल को अंदर के साइड से बर्न करना, जिसके कारण रम को ओक का फ्लेवर और कलर मिलता है। कुछ डिस्टिलर्स उसे एक कास्क से दूसरे कास्क में ट्रांसफर करते हैं ताकि उसे डिफरेंट बैरल के डिफरेंट फ्लेवर मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, बर्बन बैरल से पोर्ट में, शेरी में या फिर कोनैक बैरल में। दोस्तों, लाइट रम्स अनवांटेड कंपोनेंट्स को और कलर कंपाउंड्स को हटाने के लिए चारकोल के थ्रू फिल्टर किया जाता है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट चारकोल यूज किया जाता है। और हमारा लास्ट प्रोसेस है ब्लेंडिंग। ऑलमोस्ट सभी रम्स ब्लेंडेड रहते हैं। रम को कंसिस्टेंसी, बैलेंस और कॉम्प्लेक्सिटी मिलने के लिए अक्सर अलग स्टाइल के और अलग एज के रम्स के साथ इसे मिक्स किया जाता है और फिर से उसे बैरल में मैच्योर होने के लिए रखा जाता है। दोस्तों, रम का टॉपिक काफी बड़ा है, इसीलिए इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रम प्रोड्यूसिंग रीजन और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रम के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।